हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा आगे स्टेप और आगे जाएंगे और उसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो हम लोग चार्जेस बना करते हैं उसमें कूलम्स लॉ जो हमारा पहला लॉ है वो आने वाला है। सो मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी हम लोग कैसे देखेंगे, इनफैक्ट आपको देखेंगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है, वो सब बेसिक हम लोग यहाँ पे स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन स्टार्ट्स विद स्टेशनरी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ऐसा हो जाए उनके बीच में इंटरैक्शन होता है तो बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, कैसे होने चाहिए, दोनों स्टैटिक होने चाहिए, ठीक है, मतलब मोशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, दे शुड बी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है कि कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज उनका साइज जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंपैरिजन मासलेस होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये सेम उसी तरह है, हमने पढ़ा हुआ क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के लिए पढ़ा था, उसी तरह से सेम यहां भी आएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज का प्रोडक्ट होना चाहिए और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इनफैक्ट जब हम बोलते हैं कूलम्स लॉ लिखना तो पूरा लॉ ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो जैसे वर्ड्स हैं वही वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो लॉ में ये हमें ध्यान रखना है एन एक्स अलोंग स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रा किए हैं, लोग इसके साथ समझेंगे। तो सपोज क्यू1 एंड क्यू2 दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में बिकॉज ये पॉइंट चार्ज है तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर मास, ठीक है। तो यहां पे जो बीच का डिस्टेंस r है तो देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो ये जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है, कह सकते हैं उसको स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को जॉइन करने वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। अगर दो पॉइंट चार्ज हमारे q1 q2 हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दोनों के सेक्शन r है और f मान लेते हैं, लेकिन अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते, एक नॉर्मल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेट f बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पहला चाहिए लेना पड़ा मैग्नीट्यूड के साथ देखिए, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड सेकंड इज f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। देखते हैं तो दो चार्जेस हैं q1 q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे ना, तो इससे जनरेटेड फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वन के ऊपर क्या फोर्स कर रहा है इसके द्वारा टू के द्वारा, तो उसको लिखने के लिए हम लोग एफ टू वन लिख रहे हैं। एफ टू वन मतलब फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं एफ वन टू, एफ टू ऑन वन बोल रहा हूं मतलब क्या, तो फोर्स जो टू जो है वो वन पे लगा रहा है उसको हम लोग एफ वन टू है। सिमिलरली एफ वन ऑन टू मतलब एफ टू वन, क्लियर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसलिए दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो इसलिए इनका फोर्सेस यहां होंगे, ठीक है। एक केस हम लोग इसका एग्जैक्टली अपोजिट यानी अट्रैक्शन वाला लेते हैं, जैसे कि q1 जो है वो नेगेटिव चार्ज है और q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में क्या होगा फोर्स, तो क्योंकि ये नेगेटिव है ये ऑलवेज अट्रैक्ट, तो f21 यानी f12 इस तरह लगेगा अंदर की तरफ, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। और दूसरा क्योंकि वो तो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, f12 या f21 इस तरह का, ठीक है। ये सब नेगेटिव के फॉर्म में ग्राम हमारा पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ f, इसलिए ध्यान रखना। तो ये पूरा समझने के बाद अब क्या पता चला हमें कि टोटल जो कूलम्बियन की फोर्स है अगर मैं उसको f ऑफ e लिखता हूं नेगेटिव के फॉर्म में, दैट इज डिपेंडिंग ऑन k q1 q2 k q1 q2 और मास फ्लो, जहां पे k क्या है एक तरह का वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक तरह का कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, k इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज बेसिकली यू कैन से दिस इज पार्ट ऑफ मीडियम्स, ये मीडियम्स के ऊपर डिसाइड करेगा कि उसकी वैल्यू जो है वो
क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अलग अलग होगी, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी आपको हमेशा रखना पड़ेगी। तो आप k की वैल्यू के साथ भी 9 × 10⁹ याद कर सकते हो। हाँ, खास करके इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट याद रखना। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट अगर आपको एप्सिलॉन 0 पूछ लिया जाए कि एप्सिलॉन 0 क्या होगा, तो उसका यूनिट हमेशा एग्जैक्टली उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पिछले क्लियर है, आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको हम लोग वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके k की वैल्यू जो हम लोग डिस्कस करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के हिसाब से, उसमें हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से डील करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसको अगर लिखना हो हमें किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो वी विल डील विद दैट। थोड़ी चीज आपको एक क्लियर करनी चाहिए, जब भी आप कॉलम में लॉ तो आप जो मेन मेन वर्ड्स उन भी मिस्टेक नहीं करनी है, यानी आपको लॉ और टाइम सही ढंग से लिखना है। बाकी आप हमेशा याद रखना है कि लॉ को हमेशा फिक्स ही होता है, उसको हमें उसमें कोई खास चेंजेस करने होते नहीं। ठीक है, तो लास्ट टाइम 11th में भी आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि पोजीशन वेक्टर्स पढ़े होंगे या यूनिट वेक्टर्स पढ़े होंगे, तो यूनिट वेक्टर्स पे हम लोग कुछ चीजों को डिराइव करेंगे। ठीक है, so Coulomb's law, Coulomb's law in vector form, vector form में कैसे लिखेंगे? so suppose जो हमने पहले diagram draw किया, तो पहले diagram को draw करते हैं। this is your q1, suppose this is positive, this is your plus q2 and this is your distance r। अभी जो हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली क्या है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग अभी r के फॉर्म में लिख रहे हैं। सो वंस यू आर राइटिंग इट आउट इन योर नोट बुक, यू कैन राइट इट आउट एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दिस इज r 1 2 अगर हम लिख रहे हैं तो फोर्स जनरेटेड क्या होगा इसके लिए, ये वेक्टर है 1 2 और इसके लिए जो होगा f 2 1। ये जो हम फोर्स जो जनरेट हुआ है वो पे, ठीक है, वो लिख सकते हैं। सो हाउ डू आई राइट, अगर मैं बोलता हूं f 1 2, अगर मैं f 1 2 बोलता हूं तो मैं लिखूंगा क्या इसको, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, एंड हाउ डू आई राइट इट आउट, यू कैन राइट इट आउट f 1 2 is equal to k q 1 2 divided by r square, ये उसका डिस्टेंस है। ठीक है, और इसको हमें लिखना है यूनिट वेक्टर के फॉर्म। सो हाउ डू आई राइट द यूनिट वेक्टर फॉर्म, r 1 2 दिस इज योर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर आपने नाइंथ में पढ़ा था, ये मैंने जो पढ़ाया है r 1 2 जो भी बोल रहा है। सो हाउ डू आई राइट, इसका मतलब क्या है, r 1 minus r 2 divided by mod of r 1 minus। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे सेम इंटरेस्ट दूसरे के लिए f 2 1, f 2 1 मतलब फोर्स ऑन q 2 ड्यू टू q 1 क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी f 2 1 k 2 1 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r 2 1। ठीक है, दिस इज एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज 2 2 1। सो हम लोग उसके लिए एक लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये लिखो या ना लिखो चलेगा, लेकिन अगर बाहर के लिए लिखो तो आपको मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों ही केस में याद रखना है कि आपको ये सब के सब जो है वेक्टर के फॉर्म में नोटिफाई करना है। क्लियर, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमने वहीं पे चार्ज पे बैठ करके हम देख रहे थे ना, इस चार्ज से बैठ करके देख रहे थे इस पे फोर्स क्या मिलेगा, इस चार्ज से बैठ करके देख रहे थे इस पे फोर्स क्या मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं अगर हम लोग दोनों चार्ज पे नहीं बैठे हैं, बाहर से कहीं से देख रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कूलम्बियन फोर्स ड्यू टू पोजीशन वेक्टर, सो कूलम्बियन कूलम्स लॉ, Coulomb's law in
टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन लेते हैं। पोजिशन लेटर के फॉर्म में, पोजिशन लेटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो हाउ दैट विल इंपैक्ट, सपोज आपके पास नाम एक डायग्राम ड्रॉ करो, सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहां से कहीं आप इसको ओरिजिन से रिमूव करना चाहते हैं। सो व्हाट विल द इंपैक्ट, टू चार्जेस q1 q2, सो पोजिशन से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r2 एंड दिस इज r1, अब आप क्या कर सकते हो, टेल टू हेड, ठीक है, टेल टू हेड पड़ा हुआ है, टेल टू हेड एंड मीटिंग किसी जिस तरफ से आपको ढूंढना है, किसके लिए ढूंढना है उसको कर देते हैं, एंड मीटिंग ऑफ टू हेड्स, तो दिस इज, ये अगर आप देखोगे r12, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r12, r12 मतलब कौन सा, सपोज दिस इज योर आर्टिकल लाइक दिस, ठीक है, दिस इज यू हैव टू डू, थोड़ी सी यहां पे एक चीज हमने यहां पे स्टिक किया है, और इस अगर आप फोर्स 1 1 2 दैट इज 2 का इंपैक्ट मतलब ऊपर क्या पड़ता है, तो आप पोजीशन में कितने को लिखना है 2 1, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट इस केस में कितना है 1 2, ठीक है, तो जब 2 1 है तो उसका पोजीशन में हम कैसा से कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ आर 2 1 1, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो यहां पे 1 2 पर है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। तो यहां पे आप वही चीज आप देखेंगे, बस कोण के फोर्स के हिसाब से देखेंगे तो पोजीशन के हिसाब से F12 तो क्या बन जाएगा, A21 डिवाइडेड बाय, नाउ इफ ट्राई टू राइट आउट ऑल दैट इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग r1 r2 के फॉर्म में देखेंगे, ना सिर्फ r डिस्टेंस लेकर के करने वाले नहीं, तो हम अगर पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं आपको बताता हूं, दिस विल टर्म आउट एज r1 - r2 का होल स्क्वायर, और यहां हमने बदलवा दिया r 2 1, ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया अच्छे से तो क्या बन जाएगा, k q1 q2 r1 r2, और हमने पोजीशन के बारे में क्या पढ़ा है, अगर हम इसको लिखते हैं दिस इज r 2 1, लिखते हैं तो हम लोग को हो जाएगा r1 - r2 r2, दिस इज हम लोग इसको लिखते हैं r1 - r2 divided by r mod of r1 - r2, ठीक है, सो ये बन जाएगा k q1 q2 divided by mod r1 - r2 का होल क्यूब, और यहां बचेगा r1 -, तो ये आपका जो है टोटल फोर्स F12 पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हमने निकाला, क्लियर, इतनी चीजें आपको थोड़ा समझनी है अभी, है ना, तो इतना थोड़ा क्लियर कर लेना, एक स्टेप हम लोग आगे और चलेंगे, हाँ थोड़ा सा इसमें मेरे पास एक बार एड्रेस कर देता हूँ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सपोज यू आर चार्जेस q1 q2, फोर्स ऑन 1 q2 टू F12, उससे जो ऑन निकल रहा है तो लोग उसका लिख सकते हैं q2 फोर्स ऑन 2 q2 1, सो और मैंने यहां पे क्वेश्चन में सिर्फ फिलहाल रखा हुआ है, नाम के हिसाब से क्या आप किसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, सपोज यू हैव टाइम फाइंड फोर्स ऑन q1 q2 q2, तो k q1 q2 डिवाइड बाय r2, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो यहां पे r2 1 होगा, तो r2 1 का मतलब क्या होगी, r1 - r2 डिवाइड बाय r1 - r2 मॉड ऑफ r1 - r2, ठीक है, और f2 1 निकालना चाह रहे हो तो k q1 q2 डिवाइड बाय r1 2, इसी तरह से कूलम्स लॉ एंड पोजीशन वेक्टर फॉर्म अगर कहीं बाहर से आप कुछ चार्ज दे रहे हो तो बाहर से लोगे तो आपको क्या है, दोनों के बीच का गैप जो है वो निकालना है, ठीक है, सो अगर इस केस में अगर आप यहां पे निकाल रहे हो r 2 1, तो यहां पे आप चीज मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, r 2 1 लिख सकते हो, और उसको क्या करोगे आप, ये बिना r 1 - r 2 और इसको मॉडिफाई करके लिख देंगे, क्लियर है, समझ में आया, तो ये चीज आपको पढ़नी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए पढ़ते हैं, मैं आपको जल्दी होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम लोग ये टॉपिक जो है वो एक कंप्लीट हो जाएगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमेशा क्या है, बिकॉज़ ये दोनों बॉडीज इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज जो है वो अलग-अलग इंडिविजुअली इंटरैक्ट कर रही हैं, इसलिए यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम आएगा,
अगर ऐसे नहीं होगी खास करके जैसे कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे पार्टिकल जो है मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स इन टैक्ट करते हैं वो चीज भी यहां पे काम देगी यहां पे बोल रहे हैं एटम फिजिक्स पॉलिसी ऑफ सुपरपोजिशन सुपर पोजिशन क्या है इट सेज दैट द फोर्स is a two body hum log dekhe example two body interaction is a two body interaction theek hai that is electrical force between two point charges क्या है तो फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन जो हमने देखा मतलब हमेशा हर बार जब ये फोर्स जो हम पढ़ेंगे तो आप हर बार देखोगे कि कोई टू बॉडी का इंटरेक्शन हमेशा होती रहेगी चाहे वो टू से करे या थ्री से करे या फोर से करे तो हर बार क्या है इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज के बीच में होता है ठीक है सो इज इंडिपेंडेंट ऑफ presence or absence of other charges depend कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपके पास कितने charges हैं लेकिन हमेशा ये दो ही interact करते हैं ठीक है other charge ठीक है so and so the principle of superposition is very what we see and so principle of सुपरपोजिशन इज वैलिड इसीलिए यहां पे लिखा क्या होगा कि सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा वैलिड होगा ठीक है तो इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे सो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल टू नंबर पॉइंट चार्ज तो हमने से क्या पता चलता है दैट इज फोर्स ऑन किसी एक चार्ज पार्टिकल टू नंबर कितनी लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं जैसे कि वन ड्यू टू सब पॉइंट चार्ज ही है वैसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं इज रिजल्टेंट ऑफ What is the result of forces due to individual point charges? Due to individual point charges. ठीक है? So how do you write this? Suppose हम वापस example ले लेते हैं. Yes, on your mind. कहीं दो चार्ज ले लेते हैं एक चार्ज का नाम क्यू वन एक चार्ज का नाम क्यू वन एक चार्ज का नाम क्यू टू साइमल्टेनियसली क्यू थ्री ऐसे एक चार्ज से लेते हैं जीरो यहां से डिस्टेंस आर वन यहां से डिस्टेंस आर टू यहां से डिस्टेंस सबके लिए रिपोर्ट डिस्टेंस वेक्टर को आर थ्री और ये आर नॉट तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो यहां पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका इंपैक्ट इसके ऊपर क्या पड़ेगा साइमल्टेनियसली इसका इंपैक्ट इसके ऊपर क्या पड़ेगा ये सब का इंपैक्ट हम लोग को निकालना है तो सपोज आई एम सेइंग दिस बिकॉज 1 और 0 है तो 1 माइनस 0 इज आर 1 है ना दूसरी चीज क्या हो जाएगी इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 इज आर 2 3 माइनस 0 इज आर 3 इस तरह से इसको लिख सकते हैं सबके इंडिविजुअल तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा सपोज जो जीरो चार्ज उस पे कितना एक्ट कर सकता है एफ ऑफ जीरो इतनी हो जाए क्या जाएगा एफ ऑफ जीरो ही हो या एफ ऑफ कुछ भी मत लिखो तो कौन कौन इंपैक्ट करेगा इसके ऊपर एफ है ना कौन कौन से इंपैक्ट करेंगे सपोज आई एम सेइंग जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री तो
एग्जर्टेड फोर्स हमारे पास निकलते हैं। तो अगर आप टाइम करना है ठीक है f ऑफ नॉट, हम अगर टोटल निकाल रहा हूं सबके लिए क्या निकल के आएगा, सपोज पहले के लिए आएगा k q नॉट q1 डिवाइडेड बाय r 1 स्क्वायर ठीक है। दूसरे के लिए क्या आएगा, दूसरे के लिए ऐसे 50 के लिए हम लोग पोजीशन में क्या लिखेंगे, तो पोजीशन में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, मतलब 1 माइनस 0 है तो हम उसे ले जा सकते हैं। अरे फिर आप लिख देते हैं इसको अगर 1 0 दूसरे के लिए क्या हो जाएगा a q 0 2 ये हो जाएगा r 2 स्क्वायर q r 2 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा तो r 2 0 साइमल्टेनियसली 3 2 3 तो r 3 का स्क्वायर तो r 3 0 2 ऐसे करते करते वो आगे ऊपर लिख सकते हैं k q i लिख दो, i मतलब कोई टेंथ टर्म है ठीक है, r i का स्क्वायर और उसको r i नॉट ऐसे लिख सकते हैं अगर आप इसके लिए ठीक है। तो ये आपका बन गया एक तरह का सुपर पोजिशन ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा फॉर्मेट आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन सबसे कॉमन क्या है, q नॉट q नॉट q नॉट सब एक नॉट कॉमन है और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, f इज इक्वल टू तो k और q नॉट हमारा हो जाएंगे है ना। समेशन लगाना है कहां से हम स्टार्ट करेंगे, मान लो i की वैल्यू i का रियल नंबर n टाइम्स, इसको अगर आधा और बढ़ा सकते हैं लाइक n टाइम्स ये देते हैं k q नॉट q n डिवाइडेड बाय r n का होल स्क्वायर r n o या नॉट तो ये भी बन सकता है। दूसरी जगह हम कर सकते हैं i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा q i डिवाइडेड बाय r i का स्क्वायर है और i r i नॉट लिख सकते हैं सब ओके। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, इट इज द फॉर्म ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो आपको याद करना है ठीक है। थोड़ा मुझसे अलग है लेकिन मैंने q नॉट q लिया ताकि आपको आसानी हो समझने में कि सत्य कर लिया होगा तो हमारा काम हो जाएगा क्योंकि मैं एंट्री को जो चार्जेस से उनकी जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे के बीच है ठीक है। तो ये जो है वो क्या होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का कंप्लीट हुआ है। आगे हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग क्या है क्या कर सकते हैं इसका टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस जो है वो अलग अलग एरिया में कैसे काम करते हैं ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे जैसे कि लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल जो है हम लोग लास्ट में करेंगे, पर हुआ हो जाएगा उसका वापस हम लोग रिवीजन के वापस आएंगे तो न्यूमेरिकल उसको करेंगे ठीक है। तो अब इतना आपको डिस्कस कर लेना है और फाइट कंप्लीटेड और जो आपका जितना भी कंप्लीट हो जाता है उसको आपको कंपल्सरी ला करके नोटबुक में दिखा देना ठीक है। ओके वी विल मूव ऑन विद दिस सो थैंक यू हमें पढ़ते रहना। Thanks.